बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में दोनों गुट एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंकते नजर आए। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद वहां पत्थरबाजी और बढ़ गई। आरोप है कि एक पक्ष लगातार दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। जोरदार गोलीबारी से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, उसने पहुंचकर मामला शांत करवाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जाँच में जुट गयी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इराक की संसद के पास हमला हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद में ये बड़ा हमला हुआ है। इराक की संसद के पास ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया। बगदाद में एक दो नहीं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं बल्कि 9 रॉकेट दागे गए। ये हमला ग्रीन जोन में हुआ है। इस हमले में सुरक्षा बल के कई जवान और आम नागरिक भी घायल हो गए हैं। हमले की तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे गए हैं। बगदाद में हुए इन हमलों की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक एक करके रॉकेट से हमले किए गए, जिससे वहां तबाही का मंजर दिखने लगा। एक रॉकेट रिहायशी इलाके की सड़क पर गिरा, जबकि दूसरे रॉकेट ने सड़क पर खड़ी कारों को तबाह कर दिया। कुछ इसी तरह से एक और रॉकेट बगदाद की सड़कों पर गिरा। बगदाद में इसी तरह से कुल 9 रॉकेट दागे गए, जिसमें आम नागरिक भी घायल हो गए। बगदाद में ये हमले संसद के पास ग्रीन जोन में किए गए, जहां सरकारी भवन और विदेशी मिशनों का घर है। रॉकेट हमला ठीक उसी समय हुआ जब इराक की संसद नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक सत्र शुरू करने वाली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमला सत्र को रोकने के लिए किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संसद भवन को रॉकेट के हमलों ने निशाना बनाया हो। इससे पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ की है और कहा कि इस कठिन समय में भी भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है। दरअसल IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग में शामिल हुई थी। इस मौके पर उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी की तरह उभरा है। तो IMF ने भारत की तारीफ की है, भारत अंधेरे में चमकती हुई रोशनी है। ये IMF की डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है और ये अंधेरे में उम्मीद की किरण है, चमकती हुई रोशनी है। ये भारत के लिए गर्व की बात है जिस तरीके से IMF की तरफ से भारत की तारीफ की गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। लोग बाढ़ की पीड़ा से कराह रहे हैं और इस बीच अंबेडकर नगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाके में गए डीएम बेतू का बयान देते हुए नजर आए। मौका था बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे का। डीएम साहब पहुंचे जरूर, लेकिन यहां पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने वहां के लोगों को बाढ़ की चोट से ज्यादा जख्म दे दिए। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में कई गांव डूब चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग ऊंची जगह पर बने राहत शिविरों और बाढ़ चौकियों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन डीएम के इस बेतू के बयान के बाद लोगों की तकलीफें और बढ़ गयी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डीएम सैमुअल पॉल की तरफ से सफाई भी आई, कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से प्रचारित किया गया। उधर दिल्ली पुलिस ने